बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आप लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी बातें। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है, जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हों, कालकी मरकज हों, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और उससे बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सर गिरिराज समाज के जो नेता है, बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के जो सांसद जो पैसा लेकर सवाल पूछती है, बेकार का आरोप है और इस पे तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए। देश की जनता जान रही है कि हो क्या रहा है, जो सवाल पूछ रहे हैं जो सच बोल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। तो एक खास है देश के जिसके वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है, तो उसके बचाव के लिए जो भी भाजपा के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या क्या करते हैं नहीं नहीं करते हैं, हर एक राजनेता हर एक पॉलिटिशियन जो है उनके बारे में जानता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।